हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्ट्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पेपर सिल्क वाला डबल टोन साड़ी को कैसे मैंने डिज़ाइनर साड़ी बनाया है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी है और इसके लिए कितना एफर्ट मैंने उठाया है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, ये जो आपको छोटा वाला स्टोन्स दिख रहा है उससे लेकर बॉर्डर तक सब कुछ खुद ही मैंने किया है। तो इसमें मैंने फॉल्स भी लगा करके काम शुरू किया है फ्रेंड्स, क्योंकि आफ्टर स्टोन वर्क हमको स्टोन अटकता है जब भी हम फॉल्स स्टिचिंग करते हैं, तो इसीलिए पहले ही मैंने फॉल्स लगा लिया है, क्योंकि कोई भी स्टिचिंग वर्क इसके अंदर नहीं है, तो सब कुछ पेस्टिंग वर्क है। तो ये इसके लिए मैंने 5.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, प्लेन फैब्रिक, और ये जो स्टोन्स वगैरह साइड में आपको दिख रहे हैं वो एक 4 टाइप का स्टोन्स लिया है और एक फैब्रिक ग्लू लिया है फ्रेंड्स। सो इतना ही काफ़ी है, आपको कुछ भी आरी वर्क करने का या कोई भी कष्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत अच्छा साड़ी बनता है, बिल्कुल जैसे हम शॉप में ख़रीदते हैं उसी तरह का हमको साड़ी मिल जाएगा, तो हमारे हाथ से बनाने का कुछ आनंद ही और होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे वर्क किया है मैंने। मैं हाफ वर्क कंप्लीट करके रखा हुआ है, बैलेंस में आपको मॉडलिंग ज़रूर इस वीडियो में दिखाऊंगी जो आपको यूज़फुल हो जाएगा। फर्स्ट हमें साड़ी को ऐसे स्प्रेड कर लेना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हाफ वर्क मैंने कंप्लीट करके रखा है। तो ये देखिए, इसमें कुछ भी मैंने मार्किंग नहीं लगाया है, मैंने ऐसे ही स्टोन्स को लगाया। ये देखिए, एक पर्ल वर्क पर्ल को लगाया और फिर के स्टोन लगाया और ऊपर एक 6 स्टोन बिठा दिया, तो यही काम किया है मैंने। इसके लिए इसे डायमंड शेप का एक स्टोन चाहिए और छोटा वाला गोल्ड चमकी चाहिए स्टोन, और ये पर्ल्स बिग साइज, सब कुछ फैब्रिक ग्लू से लगाने का है। ये स्टोन्स हमें बीच में साड़ी में लगाने के लिए चाहिए फ्रेंड्स, और एक फैब्रिक ग्लू। आप प्लीज़ ये वीडियो को और से देखिएगा कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ हम स्टोन लगाएंगे और फिर के फैब्रिक ग्लू से डॉट्स रखेंगे। और इसमें हम जो स्टोन्स मैंने बताया था लास्ट में गोल्ड कलर का, वो स्टोन्स को लगाएंगे फ्रेंड्स। ये लगाने में मुझे कोई चुमटा या कुछ भी का ज़रूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे आदत हो गई है, इसलिए मैं हैंड से लगाना ही प्रेफर करती हूँ। आप बट्स को वाटर में डिप करके यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके लिए जो चुमटा आता है ना वो भी यूज़ कर सकते हो, या फैब्रिक ग्लू का जो है वो भी आप वो पॉइंट जो है ना उसको फेविकॉल में लगा करके फिर उसको भी स्टोन में लगाने से वो आसान सा आ जाता है, वैसे भी यूज़ कर सकते हो। मुझे हाथ में लगाना ईजी रहता है इसीलिए मैंने ऐसे किया है फ्रेंड्स। सिर्फ एक पर्ल को लगाया है, उसको फिर के गोल्ड स्टोन्स, और ये डायमंड का जो स्टोन्स है उसको 6 स्टोन्स आप मैं ऊपर क्राउन के जैसा दे रही हूँ। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, टाइम ज़रूर लगता है, फिर भी जब हम हमारा वर्क किया हुआ हम पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और बजट के हिसाब से ही बहुत कम है फ्रेंड्स। मेरा तो ये साड़ी रेडी करने में 500 से 600 उतना ही हुआ था खर्चा। ये देखिए, अब मैं साड़ी के बीच में भी ऐसे स्टोन फेविकॉल लगाया है, फेवी ग्लू, तो ये स्टोन्स ले रही हूँ, और रैंडमली आप फेवी ग्लू लगाइए फैब्रिक ग्लू,
उसके ऊपर स्टोन्स को चिपका दीजिए। अब सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि दो स्टोन के बीच में ऊपर वाला लेयर जब आप शुरू करेंगे, अब देखिए मैं दो लाइन के बीच में एक डॉट लगा रही हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर रैंडमली भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नज़दीक चाहिए या आपको थोड़ा सा दूर चाहिए, आपको जैसा मर्जी है आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये डॉट्स ही लगाया है फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए तो आप बीच में जो बॉर्डर में स्टोन्स दिख रहा है वो बीच में भी आप लगा सकते हैं। ये मेरा साड़ी बन के रेडी हो गया है। आपका इम्पॉर्टेंट काम ये है कि साड़ी को ऐसे लगाने के बाद 5 आवर्स आप ऐसे ही हवा में छोड़ दीजिएगा ड्राइंग के लिए। फिर इसको फिलेट के रिवर्स में डाल के आपको आयरन करना है फ्रेंड्स। वो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम। इसमें क्या होता है, जब भी हम वॉश करते हैं ये साड़ी में से ये ग्लूस नहीं निकलता है, ये ऐसे ही आयरन करने से बहुत अच्छे से चिपक जाता है फ्रेंड्स। तो ये है डिज़ाइनर साड़ी का बनाने का तरीका मेरा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक